जब गोबर से भी धन का लाभ मिलेगा तो पशु कभी भी बोझ नहीं लगेगा, इससे उनको खुले में छोड़ने की मजबूरी भी नहीं रहेगी। साथियों, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड कचरे से कंचन बनाने का है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड कंचन को भी कचरा बनाने का है। यही प्राथमिकताओं का फर्क है, यही 2017 से पहले और आज का फर्क है। साथियों, शांति और सुरक्षा के बिना विकास संभव ही नहीं है। आप कल्पना कीजिए, आपके पास गाड़ी है, बंगलो है, खेत खलिहान है, अच्छी खासी मजेदार जिंदगी है, लेकिन नौजवान बेटा या नौजवान बेटी काम के लिए बाहर गए हो और बेटा या बेटी अंधेरे के बाद घर वापस न लौटे तो वो बंगला, रुपया, पैसा किस काम का? और बेटे की लाश आ जाए, बेटी की लाश आ जाए तो वो रुपये किस काम के? और इसलिए शांति भी चाहिए, सुरक्षा भी चाहिए, तभी ये धन हो, दौलत हो, घर हो, खेत हो, बेटे बेटी हो, उनका जीवन बच सकता है। 10 साल में अनेकों दंगे का पश्चिमी यूपी क्या हार करके रखा है? क्या कोई मेरा उत्तर प्रदेश का भाई बहन इसको भूल सकता है? क्या दंगे यहां की बेटियां, यहां के युवा भुला सकते हैं क्या? मेरे प्यारे उत्तर प्रदेश के भाइयों बहनों, ये लोग सत्ता पाने के लिए जिस प्रकार के खेल खेल रहे हैं, उनको अपने कारनामों का कोई अफसोस नहीं है, उन्हें उनकी भूल का भी कोई एहसास नहीं है, इसलिए वैसे ही उम्मीदवार लिए हैं। आप सोचिए, उम्मीदवारों के नाम पढ़ करके पता चलेगा कि उनकी सोच क्या है। जिस मानसिकता ने पश्चिमी यूपी का इतना नुकसान किया, उसी को आगे बढ़ाने का एक खेल है। जो इनके कैंडिडेट हैं, वो या तो हिस्ट्री सीटर है या फिर दंगावादी है। मैं सभी मतदाताओं से कहूंगा कि वोट डालने से पहले इनके कारनामे, इनके करतूतों को कभी भी मत भूलना। कमल पे बटन दबाने से पहले उनको याद रखोगे तो लगेगा कमल दबाते समय आप उनको सजा दे रहे हैं, जिन्होंने आपकी जिंदगी तबाह कर दी थी। और एक बात भूलना मत मेरे भाइयों बहनों, इनको सिर्फ कुर्सी का मोह ऐसा नहीं है, ये लोग बदला लेने की फिराक में है, वो मौके के इंतजार में है। इनको गलती से भी मौका मिल गया तो फिर खेत लहूलुहान हो जाएंगे, फिर दुकानें जलेगी, फिर डर और खौफ का वो काल फिर से लौट आएगा। आप याद रखिए, दबंगों और दंगाइयों से मुक्ति भाजपा का सबसे बड़ा कमिटमेंट है। हमें शांति चाहिए, हमें भाईचारा चाहिए, हमें एकता चाहिए, हमें हमारे बेटे बेटियों का उज्जवल भविष्य चाहिए। आपका एक एक वोट यूपी को दंगा मुक्त रखेगा।
भाइयों और बहनों, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये डबल इंजन सरकार की नीति भी है और निष्ठा भी है। यही कारण है कि हर चुनाव में भाजपा पहले से अधिक समर्थन के साथ लौटती है। देश की महिलाएं, माताएं, बहनें, बेटियां भी जानती है कि भाजपा सरकार कैसे उनके हितों के लिए काम करती है, उनका जीवन आसान बनाने के लिए काम करती है, दिन रात ईमानदारी से मेहनत के साथ आपके लिए काम करती है। इसलिए वो हमेशा भाजपा को भरपूर आशीर्वाद देती है और इस बार भी वो अपने आशीर्वाद में कोई कमी नहीं रखेगी। साथियों, बीते 7 सालों में महिलाओं के हित में जो भी योजनाएं चली हैं, उनका स्पष्ट प्रभाव आज जमीन पर दिख रहा है। गांव गांव में शौचालय, इज्जत घर बनने से, और मैंने देखा, मुझे उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा आशीर्वाद मेरी माताओं बहनों ने दिए हैं। इज्जत घर से वो मुझे अपने भाई की तरह, अपने बेटे की तरह हमेशा मेरी माताएं बहनें आशीर्वाद देती रही है। मैं इन माताओं बहनों के लिए जितना काम करूं उतना कम है, उतने आशीर्वाद आप लोगों ने मुझे दिए हैं।